ओके सो आई नो, मैं पहले भी एक वीडियो सुजुमेनो तोजीमारी के ऊपर बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था सुजुमेनो तोजीमारी इंडिया के अंदर हिंदी डब में आएगी। लेकिन उस वीडियो के अंदर है ना, तुम में से काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हो कि वो वीडियो फेक है, उसके अंदर तूने फेक न्यूज़ दिया है, सुजुमेनो तोजीमारी इंडिया के अंदर हिंदी डब में नहीं आने वाली। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूँ, उस वीडियो के अंदर मैंने जो भी चीज़ें कही थी वो बिल्कुल भी फेक नहीं थी, वो है ना मैं इस वीडियो के अंदर प्रूव कर दूंगा। और तुम्हें है ना ऐसे कुछ नई चीज़ें भी दिखा दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाए कि वो एकदम लेजिट न्यूज़ थी। सो हाँ, इस वीडियो के अंदर है ना हम लोग सुजुमेनो तोजीमारी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी एक चीज जो तुम लोगों को करनी है वो है चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो बात करते हैं सुजुमेनो तोजीमारी के बारे में। तो तुम लोगों को इतना तो याद होगा ही कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर तुम लोगों को बताया था इंडिया के अंदर सुजुमेनो तोजीमारी की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या है, वो है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से तुम लोग सुजुमेनो तोजीमारी थिएटर्स के अंदर देख पाओगे। और वो तो कोई फेक न्यूज नहीं है ना, तुम लोग बुक माई शो पे भी जाके चेक कर सकते हो, बस वहाँ पे अभी टिकट बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बट अब तुम में से काफी सारे लोग ये कह रहे हो कि बुक माई शो के ऊपर तो वहाँ पे 2D जापानीज दिखा रहा है, तो तू क्यों कह रहा है कि यहाँ पे हिंदी डब में आने वाली है। तो देखो, यहाँ पे मैं इतना ज्यादा श्योर इसलिए हूँ ना क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक जितनी भी एनिमे मूवीज आई है ना, जिनका क्रेज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, उन मूवीज का ही हिंदी डब थिएटर्स के अंदर दिखाया जाता है। और जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सुजुमेनो तोजीमारी के अंदर लोग कितना ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 25,000 होने ही वाले हैं। और तुम लोगों को मालूम है, वन पीस राइड जब इंडिया के अंदर आई थी उसके अंदर है ना 17,000 इंटरेस्टेड लाइक थे, और उसी वजह से है ना वन पीस राइड इंडिया के अंदर हिंदी डब में आ पाई, क्योंकि वन पीस के है ना फैंस काफ़ी सारे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वो हिंदी देखते नहीं, तो इसलिए हिंदी डब इंडिया के अंदर ज़्यादा चला नहीं। बट यहाँ पे सुजुमेनो तोजीमारी के साथ ऐसा नहीं है, सुजुमेनो तोजीमारी के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी सारे लोग ये चाह रहे हैं कि सुजुमेनो तोजीमारी इंडिया के अंदर हिंदी डब में ही आए। तो तुम लोगों को इस बात से अंदाज़ा लग ही गया होगा, जब वन पीस रेड आने वाली थी तो लोग उसके अंदर हिंदी डब देखना भी नहीं चाहते थे, तब भी वो लोग हिंदी डब लेके आए। और वहीं अगर बात करें सुजुमेनो तोजीमारी के बारे में, तो लोग अभी से ही चाहते हैं कि सुजुमेनो तोजीमारी इंडिया के अंदर आए तो वो हिंदी डब में आए। तो पहला प्रूफ तो ये हो गया कि इंडिया के अंदर सुजुमे का फैन बेस इतना बड़ा है कि उसके वजह से उन लोगों को इंडिया के अंदर हिंदी डब में लेके आनी पड़ेगी सुजुमे। और दूसरा प्रूफ है, वो तो भाई बहुत कम लोगों को पता होगा, कि सुजुमे जब इंडिया के अंदर अनाउंस हुई थी ना, उसकी रिलीज डेट थी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल की रिलीज डेट थी, बट उसको आगे शिफ्ट कर दिया गया, वो किस वजह से, हिंदी डब की वजह से। और बस इतने नहीं है मेरे पास अभी प्रूफ, एक और प्रूफ है। थर्ड प्रूफ ये है कि अभी क्रंची रोल ने कुछ दिन पहले है ना सुजुमेनो तोजीमारी का इंग्लिश डब ट्रेलर डाला है। हाँ, अब वहाँ पे तुम लोग है ना सुजुमे को है ना इंग्लिश डब में देख पाओगे थिएटर्स के अंदर, इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि इंग्लिश डब कंफर्म है। और उसके वजह से है ना, जब इंग्लिश डब किसी मूवी का आने वाला होता है ना, जब वन पीस रेड का इंग्लिश डब अनाउंस किया गया था, मतलब वन पीस रेड अनाउंस हुई थी क्रंची रोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, फिर उसी के बाद थी वन पीस की रिलीज डेट, और वन पीस की रिलीज डेट आने से पहले है ना 2 दिन पहले वन पीस का हिंदी डब अनाउंस हो गया था। तो सुजुमेनो तोजीमारी के अंदर भी ऐसा ही होगा कि मूवी आने से 1 हफ्ता पहले या फिर 3-4 दिन पहले है ना मूवी का हिंदी डब अनाउंस होगा। तो अभी तुम लोग है ना किसी भी बुकिंग वेबसाइट पे आके चेक करोगे ना, तो वहां पे तुम्हें हिंदी डब बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वो लास्ट के 1 हफ्ता पहले या फिर 4 दिन पहले तुम्हें वहां पे दिखाई देगा कि मूवी हिंदी डब में आएगी या नहीं। और ऐसा नहीं है कि मूवी यहाँ पे हिंदी डब के अंदर नहीं आएगी, हिंदी डब में मुझे आएगी, अभी भी मैं है ना 85% श्योर हूँ। ताकि अगर मैं गलत हुआ तो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आराम से जो चाहते हो वो लिख सकते हो, मैं तुम लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा, सच में जो मन हो वहाँ पे लिखना। पर देखो, सुजुमेनो तोजीमारी के अंदर इंडिया के अंदर आए, हम लोग यही चाहते हैं, फिंगर क्रॉस्ड। लेकिन अगर सुजुमेनो तोजीमारी इंडिया के अंदर नहीं आती है तो इंग्लिश डब में तो वो जरूर आएगी। और मैं ना वैसे अगर देखा जाए तो मैं पर्सनली है ना इंग्लिश डब को ज्यादा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हिंदी डब है ना मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, और ऊपर से वो एक रोमांटिक मूवी है, तो उसके वजह से है ना वो हिंदी के अंदर है ना थोड़ा बहुत है ना देखने मुझे क्रिंज लगता है, इंग्लिश के अंदर है ना मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। जापानीज के अंदर मैं इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि जापानीज के अंदर है ना मुझे थिएटर्स के अंदर है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सबटाइटल पढ़ने में, क्योंकि सबटाइटल काफी ज्यादा बड़े होते हैं और स्क्रीन काफी ज्यादा बड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मोस्टली मैं ना एनिमेज फोन के ऊपर ही देखता हूं, तो मुझे वो आदत हो चुकी है फटाफट छोटे छोटे टेक्स्ट पढ़ने की, तो उसके वजह से मुझे सबटाइटल ईजी हो जाते हैं, और बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखना है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जितनी मैंने माकोटो शिनकाई की मूवीज देखी है ना, वो ज्यादातर मैंने इंग्लिश डब में देखी है, जापानीज डब मैंने बाद में देखना स्टार्ट किया था। पर मूवी के अंदर जितने भी गाने होंगे वो तो जापानीज में ही होंगे, ना वो इंग्लिश डब में होंगे ना वो हिंदी डब में होंगे। और इसका म्यूजिक रेड विम्स बैंड ने ही दिया है, तो उनका म्यूजिक तो भाई काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब इतना ज्यादा सुकून मिलता है ना उनके म्यूजिक को सुन के, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो देखो, मैं यहाँ पे जो भी तुम्हें न्यूज़ें बताता हूँ ना, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं जो भी तुम्हें कहूँ वो एकदम 100% सच होगा। मैं भी यार एक इंसान ही हूँ, मैं इंटरनेट के ऊपर जाता हूँ, थोड़ी सी बहुत छानबीन करता हूँ, थोड़े से आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, थोड़ी सी न्यूज़ देखता हूँ, थोड़े से वेव कल्चर
कल्चर वाले पेज फॉलो कर रखे हैं उनके ऊपर जाके मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आके ना तुम लोगों को बताता हूँ कि मूवीज़ और शोज़ इंडिया के अंदर जब आएंगे वो हिंदी डब में होंगे या नहीं। और इस वजह से है ना मैं तुम लोगों को कुछ कहता भी नहीं, मैं कहता हूँ कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, मैं उसके लिए कोई बुरा नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने वो न्यूज़ दिया ना तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके भी कमेंट्स अपने ऊपर लूँ। सो अगर तुम लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा है ना तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।